शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की सुन ली गई। लाहौर की मकामी अदालत ने चीनी स्कैंडल में FIA की तलबी की नोटिस से मुतालिक केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने हुक्म में कहा कि दोनों मुलजमान को 10 जुलाई तक गिरफ्तार न किया जाए। 10-10 लाख रुपए के मुचलके भी जमा कराने का हुक्म दे दिया गया। नैब लाहौर ने ख्वाजा आसिफ के खिलाफ रेफरेंस तैयार कर लिया। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने लीगी रहनुमा के खिलाफ रेफरेंस हतमी मंजूरी के लिए चेयरमैन नैब को भिजवा दिया। रेफरेंस के मुताबिक ख्वाजा आसिफ पर मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से ज़ायद असासे बनाने का इल्ज़ाम है। 1993 में लीगी रहनुमा के कुल असासे 51 लाख रुपए के थे। 2018 तक असासे 404 मिलियन रुपए तक पहुँच गए। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की सुन ली गई। लाहौर की मकामी अदालत ने चीनी स्कैंडल में FIA की तलबी की नोटिस से मुतालिक केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने हुक्म में कहा कि दोनों मुलजमान को 10 जुलाई तक गिरफ्तार न किया जाए। 10-10 लाख रुपए के मुचलके भी जमा कराने का हुक्म दे दिया गया। नैब लाहौर ने ख्वाजा आसिफ के खिलाफ रेफरेंस तैयार कर लिया। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने लीगी रहनुमा के खिलाफ रेफरेंस हतमी मंजूरी के लिए चेयरमैन नैब को भिजवा दिया। रेफरेंस के मुताबिक ख्वाजा आसिफ पर मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से ज़ायद असासे बनाने का इल्ज़ाम है। 1993 में लीगी रहनुमा के कुल असासे 51 लाख रुपए के थे। 2018 तक असासे 404 मिलियन रुपए तक पहुँच गए।